हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइंस्टाइन फैक्ट्स। चलिए देखते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ बाला साहेब ठाकरे, फाउंडर ऑफ शिवसेना। फैक्ट नंबर वन दोस्तों, कि आपको पता है बाला साहेब ठाकरे वेल नोन है एज अ रियल किंग ऑफ महाराष्ट्र। इनका रियल नेम बाल केशव ठाकरे है। बाला साहेब ठाकरे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल हिंदू पॉलिटिशियन थे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के। बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना पार्टी फाउंडेड की इन 1966। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे जी, इनके दिल में मराठी लोगों के लिए बहुत प्रेम था और शिवसेना पार्टी इन्होंने मराठी लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए बनाई थी इन महाराष्ट्र। दोस्तों शिवसेना पार्टी के हजारों और लाखों फॉलोअर्स है महाराष्ट्र में, और देखा जाए तो मराठी लोगों को रिस्पेक्ट बाला साहेब ठाकरे की वजह से मिली है। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे जी ने मराठी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है अपने राजनीति करियर में। फैक्ट नंबर टू दोस्तों, कि आपको पता है बाला साहेब ठाकरे जी ने अपना करियर एज अ कार्टूनिस्ट शुरू किया था। वो फ्री प्रेस जर्नल के लिए कार्टून बनाते थे। ठाकरे जी के पॉलिटिकल कार्टून्स संडे एडिशन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश होते थे। बाला साहेब ठाकरे जी ने 1960 में वीकली कार्टून बनाना स्टार्ट किया था जिसका नाम है मार्मिक। दोस्तों उस वक्त बाला साहेब ठाकरे जी के मार्मिक कार्टूनों को महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। फैक्ट नंबर थ्री दोस्तों, कि आपको पता है जिस वक्त कोली मूवी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था फाइट सीन में, बच्चन जी एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, तब बाला साहेब ठाकरे जी हॉस्पिटल गए थे उनसे मिलने। बाला साहेब ठाकरे जी ने अमिताभ बच्चन को यमराज का कार्टून गिफ्ट दिया था जिसपे लिखा था यमराज डिफीटेड, यानी यमराज हार गया। उस वक्त अमिताभ बच्चन रिकवरी स्टेज में थे इन हॉस्पिटल। दोस्तों उस वक्त पूरा देश अमिताभ बच्चन जी की अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहा था और बाला साहेब ठाकरे ने उस वक्त भी अपनी दोस्ती निभाई थी। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे जी यारों के यार थे। फैक्ट नंबर फोर दोस्तों, जो आपको पता है बाला साहेब ठाकरे जी की सोच ये थी कि दूसरे राज्यों से लोग आके महाराष्ट्र में सेटल हो रहे हैं और इसकी वजह से नॉन मराठी लोग मराठी लोगों की नौकरी के चांसेस और अपॉर्चुनिटीज छीन रहे हैं, इसीलिए वो इस बात का विरोध करते थे। एक बार तो क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर, जो खुद एक मराठी है, उन्होंने कहा था मुंबई बिलोंग्स टू ऑल इंडियंस। ये कहने के बाद सचिन को बाला साहेब ठाकरे जी का गुस्सा फेस करना पड़ा था लंबे समय तक। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे जी ने मराठी लोगों को इज्जत और जॉब दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है महाराष्ट्र में। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे जी सचिन तेंदुलकर के उस बयान के बाद उनसे इतना नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने कहा था सचिन अगर क्रिकेटर है तो उन्हें क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स पे। फैक्ट नंबर फाइव दोस्तों, जो आपको पता है बाला साहेब ठाकरे जी अपनी वाइफ मीना ठाकरे से बहुत प्यार करते थे, जिनकी डेथ 1995 में हो गई थी। वो हमेशा इंटरव्यू में अपनी वाइफ से लगाव के बारे में बताते थे। बाला साहेब ठाकरे जी ने अपनी लॉकेट भी दिखाई थी एक बार, जिसमें उनकी वाइफ की फोटोग्राफ थी। ये लॉकेट उन्होंने IBN लोकमत को इंटरव्यू देते वक्त बताया था। बहुत से इंटरव्यू में बाला साहेब ठाकरे जी के गले में वो लॉकेट मौजूद थी। फैक्ट नंबर सिक्स दोस्तों, क्या आपको पता है बाला साहेब ठाकरे जी ने फ्री एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की थी गरीब लोगों के लिए इन वेरियस सिटीज ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे जी को बैन किया गया था बाय द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम वोटिंग एंड कंटेस्टिंग फॉर 6 ईयर्स इन 1999। ठाकरे जी पर आरोप लगे थे कि वो रिलीजन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दोस्तों माइकल जैक्सन ऑल्सो विजिटेड बाला साहेब ठाकरे जी। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे जी का मानना था डेट इंदिरा गांधी भारत की बेस्ट प्रधानमंत्री थी। दोस्तों ये थी किंग बाला साहेब ठाकरे जी के जीवन की कुछ अनमोल बातें। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे जी कांग्रेस का विरोध करते थे बट इंदिरा गांधी से उनके अच्छे रिलेशन थे। दोस्तों बाला साहेब ठाकरे जी ने अपनी लाइफ में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी वो महाराष्ट्र पे राज करते थे। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।